हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज मेरा एग्जाम था 26 को, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर कैसा आया था, मॉडरेट आया था या इजी था। इस टॉपिक इस बारे में आज हम बात करेंगे। और ये मेरा, आप देख सकते हैं, ये मेरा एडमिट कार्ड है जिसके पीछे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस मैं सिर्फ आपके लिए लिख के लेकर आई थी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपका एग्जाम कल है और परसों है। 27 और 28 वालों के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि एनईपी से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो उसका तरीका थोड़ा अलग है, पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है बहुत कन्फ्यूजन कर दे रहा है। जो आज क्वेश्चन आया था, पूछ रहा था, बहुत कंफ्यूज कर दिया। मैंने तो ऑप्शन लगा दिया है, बट अभी मुझे भी कंफ्यूजन है कि मेरा ठीक है कि नहीं। आज मेरे को फिर भी लग रहा है कि मेरा ठीक ही हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर रंजन करके था नाम, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 70 से 80 क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता दूंगी, आप वहीं से कर लेना और आपका क्लियर होने से कोई नहीं रुक सकता। तो एनईपी से एक क्वेश्चन था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन थे, लीडरशिप से 3 क्वेश्चन थे, टाइम टेबल से 1 क्वेश्चन था, और इधर आपका राजस्थान से जो मिट्टी का लेप क्यों करते हैं, जो कीड़े ना लगे, 1 क्वेश्चन वहां से था। कपड़े तेलंगाना में किस प्रकार के बनते हैं, जो साड़ियां की बात होती है तेलंगाना में, 1 क्वेश्चन वहां से था। केरला से क्वेश्चन था टेपिकोआ, जो हम नारियल का वहां पेड़ ज्यादा लगे होते हैं, नारियल का यूज करते हैं, 1 क्वेश्चन वहां से था। और इधर से और आए थे, अभी मैं आपको बताती हूँ। कोई क्वेश्चन मुझे माइंड में है पर मैं को बताने में को थोड़ा सा समझ नहीं रही। और हिंदी में मैं आपको बता दूं, हिंदी में अगर आपने रिमझिम नहीं पढ़ी है तो रिमझिम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि रिमझिम से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं रिमझिम के। और हिंदी में आपका पैराग्राफ आ रहा है जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन पैराग्राफ में पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में भी आपका पैराग्राफ आ रहा है, उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिमझिम जो 5 क्वेश्चन आए थे, एक तो बंदरबाट करके थे, उसके रचयिता कौन है, डाकिया कुंवर सिंह कहानी किसने लिखी, और पानी रे पानी ये किस, इसके राइटर कौन है, ये क्वेश्चन था। समानार्थी पूछा था, एक समास का क्वेश्चन पूछा था। और आपका मैथ्स के अंदर एलसीएम का एक क्वेश्चन आया था, सीटिंग और असेंडिंग ऑर्डर से एक क्वेश्चन आया था, और जैसे 40 पेन का मूल्य इतना है तो 80 पेन का मूल्य कितना हुआ, एक क्वेश्चन ये आया था। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्वेश्चन एक ये आया था। और आपका इंग्लिश में भी पैराग्राफ आया था, इंग्लिश का जो पैराग्राफ था वो भी उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस इंग्लिश के पैराग्राफ में पूछा गया था। और इसमें पेडागोजी में आपका डिसलेक्सिया से 2 क्वेश्चन आए थे, यानी जो डिसेबिलिटीज होती है, डिसेबिलिटी होती है, उसमें से 2 क्वेश्चन उसमें से आए थे। यानी पेपर बहुत ही इजी आ रहा है, कोई टफ नहीं आ रहा है। अगर आप अपने अच्छे से तैयारी करिए तो आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप टेंशन मत लिए, अभी क्यों न्यूज आ रही है कि पेपर लीक हो गया, वीडियो वायरल हो रही है, अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको आप छोड़ दीजिए। बट आपका कल एग्जाम है और परसों एग्जाम है, जिसका ये वीडियो आप जरूर देखना और आगे तक शेयर जरूर करना। ये वीडियो मैं उनके लिए मैंने बनाई है जो खासकर हाउसवाइफ है, इनके पास छोटे बच्चे हैं और उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आगे तक शेयर जरूर करना, ताकि जो महिलाएं, जो भी हाउसवाइफ है, जो स्टडी ठीक से नहीं कर पाई है, उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा और वो थोड़े से टाइम में कुछ ना कुछ ढंग से पढ़ सकेंगे और उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और ये मैं आपके लिए लिख के लाई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैथ्स में बहुत ऐसा क्वेश्चन आए थे मैथ्स के अंदर कि एक छोटा छोटा बच्चा सॉल्व कर सकता था, बहुत मतलब बेसिक लेवल से पूछा गया था, बहुत हवा मचा रखा था कि 10th या 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स में, बट ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजी पेपर था। ईवीएस का बहुत इजी था और मेरा पेपर 1 घंटे पहले हो गया था, 3 आवर्स का एग्जाम था, 2 आवर्स के अंदर मेरा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैथ्स में टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि सारा टाइम तो मैथ्स ही खा लेता है, पर मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी थे तो टाइम लगा नहीं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, आप शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।